सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वतन से मोहब्बत वो इस कदर निभा गए, मोहब्बत के दिन वतन पर जान लुटा गए। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है, एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है, जिसका अधिक प्रयोग करोगे वो उभरती व निखरती जाएगी। आज का पंचांग 14 फरवरी 2023 दिन मंगलवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 9:04 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 2:01 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:20 से 4:44 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 14 फरवरी 2023 दिन मंगलवार, पिता जैसा कोई जो आपके जीवन में विशेष स्थान रखते हैं आपके साथ किसी यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा में होने वाली समस्याओं जैसे बीमारी या सामान खोना आदि के लिए तैयार रहें। यह आपके लिए करियर में बदलाव के पल हो सकते हैं। सलाहकार या अध्यापक की सलाह लें। आपका घर आना आपके घर वालों के लिए त्योहारों की तरह है। इस समय का आनंद ले किसी पहचान के जरूरतमंद की मदद करें, इससे आपकी मित्रता मजबूत होगी। दूसरों की बातों को सुनना आपकी अधिकतर परेशानियों को दूर करेगा। गरजने वाले बादल बरसा नहीं करते, इसीलिए कहिए मत बल्कि करके दिखाइए। घर के रखरखाव और सुख सुविधा संबंधित चीजों की खरीदारी में दिन व्यतीत होगा। सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेने से आपके लाभदायक संपर्क बनेंगे। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई से संबंधित कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मिलेगी। लोगों के द्वारा बोली गई बातें और दिए गए सुझाव का ठीक से अवलोकन करें। भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव महसूस होंगे, लेकिन ये स्थिति नकारात्मक नहीं है। नए तरीके से नए अनुभव मिलेंगे। भावनाओं पर काबू रखना होगा। अपने कार्य क्षेत्र में पारंगत होने की कोशिश करें। आपको प्राप्त हुए लव प्रपोजल के बारे में विचार जरूर करें। सावधानियां, अपने स्वभाव में अहम की भावना न आने दें, इसकी वजह से बनते हुए कार्यों में विघ्न आ सकता है। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो किसी का भी दिल जीत सकता है। आपकी ऊर्जा अभी उच्च स्तर पर है, लेकिन आपकी छोटी सी गलती अभी आपके अंदर सपने को चकनाचूर कर सकती है। रिश्ते में गलतफहमी को ना आने दें, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी शानदार है। आपका परिवार और आपका साथी आज आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और उन्हें आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। प्यार के इन पलों में आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आपके कानों में कोई सितार बजा रहा है। अपने प्यारे से अपने साथी को कोई ऐसा सरप्राइज दे जो उन्हें पूरी उम्र याद रहे। बात करते हैं करियर की। अच्छा भाग्य आपके साथ है और अभी आप अपने पिता की तरह के व्यक्ति के साथ धर्म स्थान जा सकते हैं। अधिकारी या मालिक से मिली प्रशंसा आपको और भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। कानूनी मामलों को लेकर चिंतित ना हो, क्योंकि आज सितारे आपके पक्ष में हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज सब कुछ आपके जीवन पर गहरी छाप छोड़ेगा। काम या करियर की ओर आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण आपको आर्थिक रूप से समृद्ध होने में मदद करता है। आज धन और आराम भी आपके कार्ड्स पर है। अपने लक्ष्य की तरफ अड़िग रहें और अपने कर्मों को देखें, क्योंकि वही आपकी नियति है। बात करते हैं सेहत की। सिर दर्द से बचने के लिए नियमित व्यायाम और योग करें। बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर या थेरेपिस्ट की सहायता लेनी होगी। आज का उपाय, आज हनुमान भगवान जी को नारियल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें।
आपका दिन शुभ हो।